एवरीवन, वेलकम बैक टू नीमास किचन। तो आज हम बनाएंगे दाल पिट्ठा। आज से पहले ना आपने इस तरीके का दाल पिट्ठा बिल्कुल भी नहीं खाया होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, मगर इसका स्वाद बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी होता है। तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा, टेस्ट आपको बेहद पसंद आएगा। और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ना प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दाल पिट्ठा बनाने के लिए ना हम लेंगे उड़द की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में अच्छे से भिगो दिया था। ये काफी अच्छे से भीग चुकी है, इसे मैंने अच्छे से धुल लिया है, इसे छान लिया है। अब हम एक मिक्सी का जार ले लेंगे, उसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे। अगर आप लहसुन खाते हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें अपनी सारी दाल को डाल देंगे। दाल को डालने के साथ साथ इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा गाढ़ी दाल नहीं चाहिए। हल्का सा, मतलब ऐसा हो कि मिक्सी में अच्छे से पिस जाए, वो बढ़िया से उसका पेस्ट बन जाए, ना ही बहुत ज्यादा दरदरा हो, ना ही बहुत ज्यादा जो एकदम चिकना हो गया हो। तो बस इस तरीके से उसको पीसने के बाद अब हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे। ऑयल को गरम होते ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग। इन सब चीजों को डालने के बाद जो दाल हमने पीसी है वो हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें अलग से दोबारा से लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का तड़का मार सकते हैं, मगर मुझे जरूरत नहीं लगती है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें सिर्फ जीरा और हींग का तड़का लगा करके दाल को डाल करके इसको आपको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनना है, कि थोड़ी सी स्टिकी होगी शुरू शुरू में, आपको देखने में भी लगेगा और जो है चलाने में भी महसूस होगा उसको, जैसे जैसे आप पैन में उसको भूनोगे। तो बस अब इसी के साथ हम इसमें बीच में जो है ना 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे, कि जिससे कि वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो हम डालेंगे इसमें नमक, मिर्चा, धनिया, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला, इन सब चीज़ों को डाल करके ना अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें चाट मसाला लगभग आप 1 से 1.5 चम्मच के जितना डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है और बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। आप इसकी ना कचौड़ी भी बना करके खा सकते हो, दाल की कचौड़ी जिसे हम कहते हैं, और वो भी बहुत ही अमी बनती है। तो बस इस तरीके से मसालों को हम पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के साथ साथ हमें इसे अच्छे से भून लेना है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने पर ये अपने आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो बस इसको थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है, वरना जब आप इसको मिट्टी में भरोगे ना तो ये बहुत अंदर से फटने लगेगा, दरदरा सा हो जाएगा, तो थोड़ा सा मॉइस्चर होना बिल्कुल ज़रूरी है। इसी के साथ हम इसमें धनिया डाल देंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे अब हम ना ठंडा होने के लिए एक अलग बर्तन में निकाल के रख देंगे। अब हम बनाएंगे अपने पिट्ठे का डो, जो कि हम लेंगे एक कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे 2 कटोरी पानी। पानी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देंगे, जिससे कि जब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा, वो एकदम मॉइस्ट बढ़िया एकदम मुलायम आटा हमारा बन करके डो तैयार होगा, जिससे कि हम उसमें दाल अपनी स्टफ कर सकेंगे। तो यहाँ पर 2 कटोरी पानी लिया है, तो 2 कटोरी ही चावल का आटा भी आपको लेना है। किसी भी आप चाहे ग्लास, कटोरी, किसी भी मेजरमेंट वाले से आप किसी भी चीज़ से नापो, मगर 2 कटोरी पानी तो 2 कटोरी आटा ही रहेगा। तो बस इस तरीके से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। पानी अच्छे से गर्म एकदम बॉयल होने की कंसिस्टेंसी में हो तब आप इसमें आटा डालें। फटाफट आप इसको अच्छे से स्पैचुला से चलाते रहें, वरना इसमें लम्प्स पड़ने के चांसेस रहते हैं। जैसे ही सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद ये थोड़ा गुनगुना सा हो जाएगा, जिससे आप हाथों से इस तरीके से छू पाओगे। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद इस पे हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के साथ साथ हम इसको हाथों से ना अच्छे से मसलेंगे, जिससे कि प्रॉपर बढ़िया एकदम चिकना डो हमारा रेडी हो जाए। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया एकदम चिकना सा डो हमें इसका रेडी करना है, जिससे कि जब हम इसमें दाल को अच्छे से स्टफ करें तो वो बिल्कुल भी फटे ना। तो बस इस तरीके से हम नॉर्मल एक मीडियम साइज की लोई तोड़ लेंगे और उसको गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद अब हम इसे चकले पर रख देंगे। चकले पर रखने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, हाथों से इस तरीके से प्रेस कर देंगे, हल्का सा बेलन से इसको बेल लेंगे। आप चाहें तो चकले और बेलन पे पहले से ही ऑयल लगा के रख सकते हैं, तो आपको उस पे पेड़े पे ऑयल लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर आप इसके एजेस को बराबर करना चाहते हैं तो आप किसी भी कटर से इसको कट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो एजेस है वो प्रॉपर बराबर हो जाएंगे, पर हमें इसको लॉक करना है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर जो है मैंने इसको बीच में दाल स्टफ कर दी है लगभग 1 से 1.5 चम्मच की जितनी, और अब हम इसको प्रॉपर पूरा अच्छे से लॉक कर देंगे, जैसे हम गुजिया वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हम इसको पूरा सील्ड लॉक करना है, कहीं से भी मसाला आपका निकलने ना पाए। तो
बस इस तरीके से हम अपने सारे पिट्ठे को तैयार कर लेंगे। पिट्ठे को तैयार करने के बाद स्टीमर हम पहले ही पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। जिसमें हमको स्टीम करना है उसको हम हल्का सा घी या ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और अब हम इसमें अपने सारे दाल पिट्ठे को रख देंगे। इसे एटलीस्ट आपको 10 से 12 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पर स्टीम करना है। यहाँ पर पानी हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है, इस पर हम अपना जो स्टीमर है वो रख देंगे जो हमने दाल पिट्ठा रखा है और अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। 10 से 12 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ऊपर से जो चावल का डो है ना वो प्रॉपर अच्छे से पका हुआ दिखने लगेगा। 10 से 12 मिनट सफिशियंट होता है, बहुत ही अच्छे से पक जाता है और इसको ठंडा करने के बाद हम इस तरीके से इसको प्लेट में निकाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत ही आसानी से स्टीमर से निकलेगा, वरना इसके टूटने के चांसेस भी हो जाते हैं क्योंकि गरम गरम में बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठंडा करने के बाद अब हम इसको जो है फिर से एक बार हल्का सा फ्राई करेंगे, मतलब शैलो फ्राई करेंगे जिससे थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए। उसके लिए हम लेंगे एक पैन, पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, उसमें हम डालेंगे थोड़ी सी राई, आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसमें अगर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाला बहुत स्पाइसी है और बहुत ही इसको हम एकदम चटपटी तीखी लहसुन और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे, वो हरी वाली चटनी जो हम लहसुन से बढ़िया चटकारेदार बनती है। तो बस इसमें दाल पिट्ठा डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको अच्छे से सौते करेंगे। इसमें हम ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा कलर आएगा दाल पिट्ठे के ऊपर और साथ में जब ये भुनेगा ना तो जो मिर्च का जो तीखा बनाता है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। जब आप इसको एकदम बाइट करोगे ना आपको मज़ा आ जाएगा खा करके और जो दाल का स्वाद है वो तो अमेजिंग ही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। राई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इस तरीके से इसको हल्का सा क्रिस्प करने के बाद 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और अब ये बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसको बना करके फ्रिज में भी रख सकते हो, जब भी आपका खाने का मन हो तो आप इसको जो है आराम से एकदम बढ़िया तड़का मारो राई का, इसको भूनो और फटाफट इसको चाय के साथ या मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में इंजॉय करो। बहुतों को बहुत पसंद आता है और बहुत ही यम्मी लगता है, ज़रूर बना करके ट्राई करिएगा। अब हम इसे सर्व करेंगे हरी चटनी के साथ और यहाँ पर हमारे सारे दाल पिट्ठे सर्व हो चुके हैं, तो ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।